सोलन में मास्टर गेम एसोसिएशन की बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने की। इस मौके पर प्रदेश भर से आए सदस्यों ने भाग लिया और आने वाले समय में मास्टर गेम्स के आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय भी रखी और आयोजन को किस तरह सफल बनाया जाए इसको लेकर अपने सुझाव भी दिए। इस बार राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता केवल एक जिला तक सीमित नहीं होगी, इन्हें प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किया जाएगा। सोलन को 5 खेलों की मेजबानी का सुअवसर भी मिलेगा, ये जानकारी प्रदेश अध्यक्ष ने दी। उन्होंने बताया कि इस बार सोलन में फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन गेम्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें 30 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ी भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता 20 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में हेम कुमार को मास्टर गेम एसोसिएशन जिला सोलन का अध्यक्ष भी चुना गया। आज जिला सोलन मास्टर गेम्स एसोसिएशन की बैठक यहाँ पर चल रही है पैरागन होटल के अंदर, और इसमें हमने निर्णय लिया है कि मास्टर गेम्स की जो प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता होने जा रही है आगामी माह में, उसके लिए उसमें से 5 इवेंट्स जो है वो सोलन में आयोजित की जाएंगे इस बार मास्टर गेम्स की प्रदेश की, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, फुटबॉल और वॉलीबॉल, ये 5 जो स्पर्धाएं हैं ये जिला सोलन को इसकी मेजबानी का अवसर मिला है। उसकी तैयारियों के संबंध में आज की बैठक रखी गई थी और आज की इस बैठक में एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव था वो ये था कि हमारी जिला की कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं श्री हितेंद्र पंवर जी, उन्होंने अपनी व्यस्तता जाहिर करते हुए आज जो जिला अध्यक्ष पद से जो है अपना त्याग पत्र दिया और उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश कार्यकारिणी में और अन्य कामों में अपना काम करता रहूँगा। उनके स्थान पे श्री हेम कुमार शर्मा जी को जिला सोलन का मास्टर गेम्स एसोसिएशन का जो मेरे साथ खड़े हैं इन्हें आज अध्यक्ष चुना गया है और उन्हें हमें श्री हितेंद्र पंवर जी को प्रदेश के कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। अब इनकी अध्यक्षता में जिला सोलन जो है वो मेज़बानी करेगा 5 गेम्स की। इसके अलावा जो प्रदेश स्तर की अन्य 5 गेम्स हैं हमारी, जिसमें एथलेटिक, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी प्लस हॉकी, ये 5 गेम जो है वो बिलासपुर के अंदर आयोजित की जाएंगी। तो हमने